बेब्लेड एक ऐसा एनिमे जिसे देखकर हमको एक गोल गोल घूमने वाले ऑब्जेक्ट से इतना प्यार हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम बचपन में बेब्लेड खेलने में अपनी पूरी जान लगा देते थे। मेरे कुछ दोस्तों के पास स्टेडियम्स हुआ करते थे जिसके अंदर हम बे बैटल्स करते थे, और जब हमारे पास स्टेडियम्स नहीं हुआ करते थे तब हम कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर देते थे, जैसे कि हम कढ़ाई, हांडी, प्लेट्स, कोई ना कोई बर्तन यूज़ करके उसे अपना स्टेडियम बना लेते थे। और यार सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, और आज का ये वीडियो हम बेब्लेड को डेडिकेट करने वाले हैं। बेब्लेड के एनिमे की शुरुआत जापान के टोक्यो टीवी पर 8 जनवरी 2001 में हुई थी, एंड 2003 को बेब्लेड के ओरिजिनल सीरीज के तीनों सीजन्स खत्म हो गए थे, और 9 सालों बाद अप्रैल 5, 2009 में बेब्लेड मेटल फ्यूजन की शुरुआत हुई थी, एंड 2014 में मेटल सीरीज भी खत्म हो गई थी, और 2016 में बेब्लेड की बर्स सीरीज शुरू हो गई थी जो कि प्रेजेंटली चल रही है। बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज इंडिया के कार्टून नेटवर्क पर 2005 में शुरू हुई थी, और पर्सनली मैंने उसे भी नहीं देखा था क्योंकि उस वक्त के अराउंड मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब बच्चा था, यानी कि पूरी दुनिया कार्टून नेटवर्क देखती थी और मैं कार्टून नेटवर्क बहुत ही कम देखता था। लिटरली मैं कोई भी दूसरे किड्स चैनल देखता ही नहीं था, और अगर मैं किड्स चैनल देखता था तो वो एक पर्टिकुलर चैनल था जिसका नाम है जेटिक्स। मेरा 90-95% टीवी टाइम जो था वो जेटिक्स देखने में ही चला जाता था, यानी कि कार्टून नेटवर्क, हंगामा, निक, आई डिडंट गिव अ शिट अबाउट देम बिकॉज लिटरली आई डिडंट केयर बिकॉज जेटिक्स वॉज ऑल आई नीडेड। और उसके बाद 2011 में कार्टून नेटवर्क पर बेब्लेड मेटल फ्यूजन स्टार्ट हुआ था, और इस वक्त मैं कार्टून नेटवर्क बहुत देखता था और बेब्लेड का भी मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैन हो गया था। और 2013-14 के अराउंड कार्टून नेटवर्क ने बेब्लेड को हटा दिया, और उसके बाद एक दो सालों के लिए बेब्लेड का अता पता लापता था, और 2015 या 2016 के आसपास बेब्लेड फिर एक बार हंगामा पर शुरू हुआ था। उसके बाद वो डिज्नी XD पर शिफ्ट हुआ जो कि अभी मार्वल HQ बन चुका है। नूडल्स एंड मस्टर्ड मैक्स बेब्लेड के ब्लेड ब्रेकर्स का एक लौता अमेरिकन मेंबर है। वो बैटल्स में तो काफ़ी कमाल का है पर उसकी ईटिंग हैबिट्स काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फॉर एग्जांपल वो नूडल्स में मस्टर्ड सॉस या फिर अगर आप जापानीज डब में देखो तो मेयोनीज डालकर खाता था, जो कि अजीब है पर मैंने अपने ज़िंदगी में अपने दोस्तों को देखा है जिनके हैबिट्स उससे भी ज़्यादा अजीब है। यानी कि एक दोस्त है मेरा जो मैगी और राइस के साथ हर्शीज़ का सिरप मिलाकर खाता है, और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक बार ट्राई किया था और ट्रस्ट मी यार काफ़ी ज़्यादा बेकार है। पता नहीं इन लोगों को ऐसा खाकर क्या मज़ा आता है, पर यार सबकी अलग अलग चॉइस होती है तो यार ये थोड़ा वियर्ड है, पर वो मैक्स है तो चल जाता है। तो यार बेब्लेड के सीरीज में एक बात तो कॉमन थी, हर एक मेन कैरेक्टर के पास एक अटैक टाइप का बेब्लेड हुआ करता था। फॉर एग्जांपल टायसन के पास ड्रैगन था और जिंका के पास पेगासस था जो कि अटैक टाइप के बेब्लेड थे, पर एगर अकाबाने के आने के बाद ये रूल थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि एगर बेब्लेड बस टर्बो का मेन कैरेक्टर है और उसके पास एक बैलेंस टाइप बेब्लेड है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। एनीमे और मांगा के सक्सेस के बाद बात आती है टॉयज़ की, और टकारा टॉमी ने बेब्लेड के शुरुआती टॉयज़ को बनाया जो काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हो गई थी, और एक पॉइंट पर बहुत सारे बच्चों के पास बेब्लेड के काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ थे। अब पर्सनली मेरे पास ओरिजिनल जनरेशन के टॉयज़ नहीं थे क्योंकि उस वक्त मैं बेब्लेड नहीं देखता था, और जब तक मैंने टीवी देखना शुरू किया था तब तक बेब्लेड का नामो निशान टीवी से गायब हो गया था तो उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं थी। पर जब मेटल फ्यूजन चालू हुआ था वो पॉइंट पर मैं टीवी बहुत देखता था और मेटल सीरीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, और मेरे पास कई सारे बेब्लेड थे जैसे कि एल ड्रैगो, लियोन, पेगासस, और मेरा फेवरेट बेब्लेड जो था वो था ईगल, अर्थ ईगल, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। तो यार अब जो मैं बात कहने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होने वाली है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, पर ये जो रिचुअल मैं करता था यार इसका फ़ायदा मुझे काफ़ी हद तक हुआ है। तो यार मैं बेब्लेड को लेकर एक काफ़ी बड़ा सा अजीब सा रिचुअल करता था। मैं बेसिकली क्या करता था, एक ग्लास लेता था, ग्लास में पानी डालता था, उसके अंदर बेब्लेड डालता था और उसे फ्रीज़र में रख देता था, यानी कि सुबह स्कूल जाते वक्त मैं उसे फ्रीज़र में डाल देता था, और बाद में घर पर आने के बाद हम 7 बजे शाम के 7 बजे बेब्लेड खेला करते थे नीचे, तो तभी मैं उसे फ्रीजर से निकालकर उस बर्फ को पिघलाकर बेब्लेड को निकालकर नीचे जाकर एक बड़े से दीवार पर या पत्थर पर बेब्लेड को लॉन्च करके मारता था। अब मेरी थिंकिंग उस पॉइंट पर यह थी कि ये सब करने से बेब्लेड स्ट्रांग हो जाता है। अब मुझे काफी लोग कहेंगे कि यार इससे बेब्लेड का मेटल जो है वो खराब हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, पर यार मैं जो सोचता था ना इससे बेब्लेड स्ट्रांग होगा वो एक्चुअली मेरे लिए एक वर्क करता था क्योंकि मेरे कॉलोनी के अंदर यानी कि मेरे आसपास के 4-5 बिल्डिंग जो थे वो मेरे बिल्डिंग में आकर
आके खेला करते थे और उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड है कि मैं आज तक एक भी मैच नहीं आ रहा। यार मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में नहीं आ रहा हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये रिचुअल मेरे लिए काम करता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है पूरी कायनात मुझे कह रही हो कि भाई बेबलेट की जो बैटल है ये तो तूने ही जीतनी है, पर मेरे हिसाब से रिचुअल जो मैं करता था ना काफ़ी बड़ा पार्ट है इसका। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास भी बेबलेट के टॉयज है तो ये सब करके देख लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है और अगर आपके बेबलेट भी स्ट्रांग हो जाते हैं और अगर आप भी हर एक मैच जीतते हो तो शायद से हमने यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो कोड है वो तोड़ दिया हो और हम ये साबित कर सकते हैं कि बेबलेट को सच में ताकतवर बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिचुअल सच में काम करती थी। अब हो सकता है मेरी जीत एक फ्लूक थी, पर यार देखो मैंने जो देखा है मैं वो आपको कह रहा हूँ, तो हो सकता है ये रिचुअल सच हो। अगर मैं बेबलेट की फ्यूचर की बात करूँ तो फिलहाल के लिए प्रेजेंट कंडीशन की बात कर लेता हूँ। बेबलेट वी फोर्स फिलहाल के लिए हंगामा पर आता है, पर अगर मैं उसकी टाइमिंग की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है। यानी कि सुबह के 6 बजे मतलब डिज्नी इंडिया क्या सोच रही थी। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फालतू वक्त है, अगर आप एकदम फुकट आदमी हो तो आप सुबह के 6 बजे उठकर बेबलेट को देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यार मैं आपको कह देता हूँ कि आपके ये योगदान से बेबलेट को कुछ होने नहीं वाला, यानी कि उनको बहुत बड़ी टीआरपी नहीं मिलने वाली। और ऐसा भी नहीं है कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि बेबलेट के कितने डेडिकेटेड फैंस हैं जो सुबह उठकर बेबलेट देखेंगे, यानी कि वो लोग भी इतने फालतू नहीं बैठे हैं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी रेस्ट कर लीजिए, सो जाइए या फिर कुछ और काम कर लीजिए, पर बेबलेट के लिए इतना टाइम सुबह सुबह 6 बजे वेस्ट मत करो, क्योंकि ये करने से कुछ साबित नहीं होने वाला। और डिज्नी इंडिया भी पता नहीं क्या बेवकूफ़ और बड़ा स्ट्रैटेजी कर रहा है, वो हम पर कोई उपकार नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उनको सच में बेबलेट लाना ही होता तो वो एक अच्छे टाइमिंग पर लाते, जैसे कि दोपहर शाम या फिर रात के 10-11 बजे, पर सुबह के 6 बजे यानी कि डिज्नी इंडिया क्या है ये। तो यार कुछ हफ्तों पहले मैंने XT Universe ने और पोकी चार्टर ने XT Universe भाई के चैनल पर एक इंटरव्यू लिया था साहिल कुलकर्णी सर का, जो कि वॉल्ट की ऑफिशियल वॉइस है बेबलेट बर्स्ट के सीरीज में। और हमने उनसे पूछा था कि बेबलेट बर्स्ट टर्बो के बारे में क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई अपडेट है, और उनका जवाब कुछ इस तरीके से था। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई यहाँ पे जानना चाहता है, क्या बेबलेट बर्स्ट टर्बो को लेकर आपके पास कोई अपडेट है? बेबलेट बर्स्ट टर्बो के रिगार्डिंग फिलहाल तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ जितना कि आप। ऑफ कोर्स अगर मौका मिले तो मैं बेबलेट के अगले सीजन में भी डब करना चाहूंगा। तो यार जैसे कि आपने सुना साहिल सर ने कहा है कि अगर उनको मौका मिले तो वो अगले सीजन विच इज टर्बो में भी डब करना चाहेंगे। सो इससे ये बात कंफर्म होती है कि डिज्नी इंडिया ने अब तक टर्बो सीरीज को डब नहीं किया है, और अगर वो इस प्रोसेस को अभी इसी वक्त यानी कि आज के दिन भी शुरू करते हैं तो बेबलेट बर्स टर्बो 2021 में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना डबिंग का काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी एडिट्स होते हैं, प्रोडक्शन पार्ट्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। तो यार मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बेबलेट के लिए वेट मत करो, डिज्नी इंडिया का तो मतलब भरोसा ही मत करो उन पर कि वो कब आपको बेबलेट की सीरीज लाकर देगा, कब आप उसे हिंदी में देखोगे। तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी पायरेटेड वेबसाइट से जाकर उसे देखनी चाहिए। आप ये मत कहो कि नहीं भाई मैं तो वेट करूंगा, मैं तो TRP दूंगा, मैं लीगली देखूंगा। तो यार ये करने से आपका ही टाइम वेस्ट होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको इस बात पर कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी करनी है कि देखो ये कह रहा है कि बेबलेट को पायरेट करके देखो, पोकेमॉन को पायरेट करके देखो, ये हमें TRP नहीं देगा, ये डिज्नी इंडिया को TRP नहीं दे रहा, डिज्नी के खिलाफ हेट फैला रहा है, तो जाकर वीडियो बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको अपना टाइम कीमती है ना तो आप डिज्नी पर भरोसा मत करो। हिंदी डब के लिए तो मेरे ख्याल से वेट करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि क्या पता इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद अगर आप वेट करते हो हिंदी डब के लिए और हिंदी डब आ भी जाती है और आपको बेकार डब देखने मिले तो इससे क्या होगा। उससे अच्छा आप इंग्लिश डब या इंग्लिश सब में देखो, आपकी लैंग्वेज स्किल भी अच्छी हो जाएगी, अच्छे से आप देख पाओगे, लेटेस्ट सीरीज आप देख पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पायरेटेड वेबसाइट्स पर देखो, पायरेसी होती है तो हो जाने दो यार, इस पॉइंट पर केयर मत करो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, एक बड़ा वाला पोस्ट डाला जिसके अंदर मैंने वो लिंक्स दिए हैं और वेबसाइट्स का नाम भी दिया है जहाँ पर आप जाकर बेबलेट पोकेमॉन जर्नीज ये सब देख सकते हो। तो यार मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पायरेसी हो जाने दो,
क्योंकि यार डिज्नी इंडिया के लिए हमने काफी वक्त बर्बाद किया है। पूरी दुनिया यहाँ पर सीजन 23 देख रही है पोकेमॉन की, हम यहाँ तक अब तक सीजन 14 नहीं देख पा रहे, यानी कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से जब तक सीजन 23 यानी कि जर्नीज इंडिया में हिंदी में आ जाएगा, मेरा पूरा कॉलेज खत्म हो जाएगा और मेरी शादी भी हो जाएगी। तो यार वेट मत करो, पायरेटेड वेबसाइट्स पर देखो, जब तक पायरेटेड वेबसाइट जिंदा है तब तक जाकर एंजॉय करो। और ये अपना रोना मत लाना कि यार मैं तो यार ये पायरेटेड नहीं देखूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब करने से आपका ही टाइम बर्बाद होगा, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे आने में अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय टाटा नमस्ते सलाम, और खुद का ख्याल रखना ऐसे बुरे वक्त में।